ओम नमः शिवाय। पुराणों में भगवान शंकर और पार्वती माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा कही जाती है। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने भी पार्वती जी की परीक्षा ली। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण सुनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ना था। विवाह से पहले सभी वर क्योंकि अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां वे तप कर रही थीं, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती से उस बच्चे की चीख सुनी ना गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना पिता है, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती ने कहा, हे ग्राहक, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे प्रहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे प्रहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूं। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती माता ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज होकर चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती ने कहा, हे ग्राहक, तब तो मैं पुनः कर सकती हूं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप प्रारंभ करती हूं। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था,
तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में देखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। श्रावण मास में ये कथा सुनने से लोगों को आनंद तो आता ही है, साथ ही उनके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।